हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं कैसे हैं आप लोग। आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज 15 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर देखते हैं। ठीक, आते हैं पालन और पोषण पर। करा हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 14 अक्टूबर, मतलब कल के दिन 14 अक्टूबर को। हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। तो विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, विश्व मानक दिवस, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, ये कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 14 अक्टूबर को। और इसका थीम क्या था, विश्व मानक दिवस का थीम क्या था? तो प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विथ स्टैंडर्ड्स। क्या था? प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विथ स्टैंडर्ड्स, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विथ स्टैंडर्ड्स, है ना। तो विश्व मानक दिवस की थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विथ स्टैंडर्ड, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विथ स्टैंडर्ड। थीम बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको डेथ के साथ साथ थीम याद रखना बहुत जरूरी है। थीम बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हाल ही में विश्व मानक दिवस मनाया गया कब? 14 अक्टूबर को। और इसका थीम क्या था? प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विथ स्टैंडर्ड। और अगर बात करें इसी माह की, अक्टूबर मंथ के और भी डे की, तो आपको याद है 13 अक्टूबर को हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब था? 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। और 12 अक्टूबर को क्या था? विश्व गठिया दिवस, अर्थ वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, है ना, या वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। और 11 अक्टूबर को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, वर्ल्ड गर्ल्स साइड डे हो गया। और हाँ, इसमें वह एक बात था कि अगर 11 अक्टूबर को बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो 24 जनवरी को जो भारत में हम लोग मनाते हैं वह राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, चाइल्ड डे, और ये इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। तो इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 11 अक्टूबर और नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 24 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, विश्व गठिया दिवस, और 13 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर वन। आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? हाल ही में किस स्टेट ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा ने, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हरियाणा ने। मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब किसने लॉन्च किया? हरियाणा ने। तो ये जो है मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब जो है, ये पानी की गुणवत्ता का जांच करता है, पानी की गुणवत्ता को जांच करने वाला ये चलन साधन है। तो वही हुआ मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब, ये कहाँ? हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में कुछ, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा का मुख्यमंत्री खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। ठीक, और हाँ, हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़, और हरियाणा का वो राज्यपाल कौन है? तो हरियाणा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण मौर्य। हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण मौर्य हरियाणा के गवर्नर है। ठीक, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं। हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन की मंजूरी दी है? तो ये राजस्थान ने। एडीबी मतलब क्या हुआ? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस स्टेट में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन कितना खर्च किया करने के बाद $300 मिलियन की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है राजस्थान को। किसको दी गई है? राजस्थान को। अब बात एडीबी, तो एडीबी दे रहा, तो एडीबी की स्थापना कब हुई? तो एडीबी की स्थापना हुई थी एशियन डेवलपमेंट की 19 दिसंबर 1966 को। 1966। तो हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन की मंजूरी दी है? राजस्थान को मंजूरी दी है। और इसका स्थापना कब है? 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में, और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। और इसका हेडक्वार्टर मनीला हो गया।
मनीला फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष कौन है? मत्सागु स्कावा। मत्सागु स्कावा इसके क्या है? मत्सागु स्कावा इसके अध्यक्ष है। इसके एडीबी के, एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मत्सागु स्कावा। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। इसके एडीबी के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। एडीबी के उपाध्यक्ष अशोक लवासा। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? हाल ही में जारी लेसेंट की रिपोर्ट। लेसेंट एक व्यक्ति का नाम है। ये क्वेश्चन और भी एक दिन आया था। हाल ही में जारी लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार, ये शिक्षाविद हैं, इनके रिपोर्ट के अनुसार क्या है? कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये तो भारत। ये क्वेश्चन हम लोगों ने आगे एक दिन और भी देखे थे, तो करंट क्वेश्चन आते रहता है, इसमें ये जान लेना चाहिए, अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में जारी लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ये हमारा देश भारत के बारे में है। इस दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी कब तक में? 2050 तक में। ठीक, और देखिए इसमें जो बजट जो 2019 से 2020 का पास हुआ था दोस्तों, 2019 से 2020 का जो बजट पास हुआ था उसमें 19 से 20 के बजट में विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आई थी भारत। 2019 से 2020 तक का जो बजट पास हुआ था इसमें भारत का रैंकिंग पांचवीं था, विश्व में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था भारत। अगर 2019 में पांचवी अर्थव्यवस्था वाला देश था तो पहले स्थान पर कौन था? तो फर्स्ट में था अमेरिका, पहले स्थान पर अमेरिका था, और दूसरे स्थान पर चाइना था, दूसरे स्थान पर चाइना था, तीसरे में जापान। अमेरिका दूसरे में, चाइना तीसरे में जापान, और चौथे पे था जर्मनी, पांचवें भारत था। चौथे पे जर्मनी और पांचवें पे कौन था? अपना कंट्री भारत था। तो ये सर्वे जो बजट जो 2019 और 20 का पास हुआ उसमें अमेरिका प्रथम था, मतलब फर्स्ट पोजीशन पर था, और चाइना सेकेंड पोजीशन पर था, और जापान थर्ड पोजीशन पर था, और फोर्थ पर कौन था? तो जर्मनी था, और भारत अपना फाइव पर था। लेकिन फाइव पर था, लेकिन अब जो है पहले अनुमान लगाया कि अगर 2030 तक में, पहले उन्होंने कहा है 2030 के बारे में कि 2030 तक में भारत जो है जर्मनी को रिप्लेस करके ये चौथा स्थान ले लेगा। तो जर्मनी की जगह पे मतलब अमेरिका, चाइना, जापान, और चौथे स्थान पर भारत आएगा। लेकिन फिर जब 2050 का उन्होंने ये लगाया तो 2050 तक में ये कह रहा है कि जापान को भी रिप्लेस कर देगा और अमेरिका, चाइना के बाद थर्ड स्थान पर भारत आ जाएगा। तो अब ये एक अंदाज लगाया गया है कि 2050 तक में भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाला कंट्री हो जाएगा। तो ये 2019 और 20 में तो पांचवा था, और ये अब हाँ ठीक, और इसका 2030 तक चौथे स्थान पर, 2050 तक तीसरे स्थान पर आ जाएगा। लेकिन अगर 2019 में पांचवी था तो 17 में कितनी थी? सातवीं थी। 2017 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया की सबसे बड़ी सातवीं अर्थव्यवस्था, सातवें पोजिशन पर थे हम लोग। लेकिन अब जो है 2030 में हम लोगों का चौथा अनुमान लगाया गया, 2050 में पांचवा, सॉरी 2050 में तीसरा स्थान। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर। आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने देश में मांग को बढ़ावा देने के लिए, देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की है। इन्होंने किया है 73,000 करोड़ रुपये के देश में योजना की घोषणा की है। किसने? निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश में मांग को बढ़ावा देने के लिए, देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़, मतलब कितना हजार करोड़ रुपया का जो है रुपये की योजनाओं का जो घोषणा किया। इन्होंने 73,000 करोड़ रुपये का देश में योजनाओं की घोषणा किया। कितना का? 73,000 करोड़ रुपये का। ठीक, अब बात होती है निर्मला सीतारमन की। तो निर्मला सीतारमन जो है कर्नाटक के राज्यसभा सांसद है, सांसद थे निर्मला सीतारमन कर्नाटक राज्यसभा से सांसद है। और निर्मला सीतारमन के बारे में और भी कुछ बहुत चीज है जहाँ बताते हैं हम लोग। कर्नाटक राज्यसभा सांसद है निर्मला सीतारमन,
और निर्मला सीतारमण कहा जाते हैं। तो इसको जो है फोर्ब्स द्वारा FORBS फोर्ब्स एक सूची जारी करता है। फोर्ब्स जो है ये एक सर्वे करते ये सर्वे करने वाली ये है तो संस्था है। तो फोर्ब्स जो है फोर्ब्स ने इसको निर्मला सीतारमण को जो जो विश्व की उन्होंने एक सूची तैयार की एक लिस्ट तैयार की इसमें विश्व के शक्तिशाली विश्व में जितने भी शक्तिशाली महिलाएं हैं उनका स्थान तय किया गया कौन कितने स्थान पर कौन कितनी शक्तिशाली है उनका स्थान तय किया गया और उस स्थान में जो है निर्मला सीतारमण को 34वां स्थान दिया गया। मतलब वर्ल्ड में निर्मला सीतारमण निर्मला सीतारमण जो है हमारे वित्त मंत्रालय ये 34वें सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में इसको रखा गया। ठीक और बता दें जो प्रथम स्थान पर है सबसे प्रथम स्थान पर है वो जर्मनी वो कौन है एंजेला मार्किल। एंजेला मार्किल जो जर्मनी की है एंजेला मार्किल ये जर्मनी की है और इसको जो है फोर्ब्स द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला में पहला स्थान मिला है। ये कहाँ की है जर्मनी की और ये जर्मनी की है जर्मनी के चांसलर भी रही है कौन एंजेला मार्किल ये जर्मनी की चांसलर है। ठीक आगे बढ़ते हैं वित्त मंत्रालय हो गया तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है अगर फोर्ब्स की सूची में निर्मला सीतारमण को शक्तिशाली दुनिया की किसकी महिलाओं में कितने स्थान पर रखा गया है तो 34वें स्थान पर रखा गया है और फोर्ब्स की सूची में पहले स्थान पर विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में किसको रखा गया है तो एंजेला मार्किल को जो कहाँ की है जर्मनी की चांसलर है। ठीक अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दी है। किससे छूट दी है रोड टैक्स से छूट दी है तो ये किया है किसने दिल्ली सरकार ने। किसने किया है दिल्ली सरकार ने मतलब रोड पे इसको चलेगा तो टैक्स नहीं लगेगा किसको इलेक्ट्रिक वाहनों को। तो क्या कर रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी क्या नाम दिया नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ठीक के तहत नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाला जो भी गाड़ियां बैटरी से चलती है उन वाहनों को रोड टैक्स नहीं लगेगा रोड टैक्स में छूट दी गई मतलब रोड टैक्स उसको लगना बंद हो जाएगा। अब देखिए रोड टैक्स नहीं लगेगा ये पॉलिसी ऐसे बहुत ही अच्छी है और इससे जो है इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रोड टैक्स नहीं लगेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहेंगे और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा से ज्यादा खरीदी जाती है तो आप ये बात भी जाने कि पॉल्यूशन घटेगा पॉल्यूशन का जो दर है वो घटेगा और ऊपर से क्या ये लोभ इसलिए दिया गया रोड टैक्स नहीं लगने का ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है लोग उसके तरफ ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित हो और ज्यादा उसका संचालन हो इसमें। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी चलने वाला वाहनों को रोड टैक्स से छूट दिया है तो ये क्या है दिल्ली ने रोड टैक्स से छूट दे दिया है। इससे क्या होगा दिल्ली इससे क्या होगा प्रदूषण भी घटेगा और लोगों का मतलब पॉल्यूशन कमेगा और जो है लोगों का ध्यान इसके तरफ आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ इसलिए रोड टैक्स माफ कर दिया। ठीक और देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जानते हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के गवर्नर कौन है एलजी अनिल बैजल जी दिल्ली के एलजी हैं अनिल बैजल। और दिल्ली में खास क्या क्या हुआ अभी हाल ही में तो भारत में पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ है दिल्ली में खोला गया प्लाज्मा भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला है तो ये दिल्ली में खुला है। और दिल्ली के बारे में इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा भी यहीं पर दिल्ली में सबसे पहला भारत में सबसे पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा कहाँ खुला गया दिल्ली में। और हाल ही में वृक्षारोपण नीति भी लाई गई है कहाँ पर दिल्ली में वृक्षारोपण नीति ये भी कहाँ है दिल्ली में लाई गई है कहाँ पर वृक्षारोपण नीति दिल्ली में। ठीक पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हाल ही में इमोमाली रहमान किस देश के राष्ट्रपति बने ये बने हैं तजाकिस्तान के क्या नाम है हाल ही में इमोमाली रहमान किस देश के राष्ट्रपति बने ये तजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने इमोमाली रहमान। हाल ही में इमोमाली रहमान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं
ये राष्ट्रपति बने हैं तजाकिस्तान के, कहाँ के? तजाकिस्तान के। इमोमाली रहमान कहाँ के राष्ट्रपति है? तजाकिस्तान के। अब तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी, कैपिटल ऑफ तजाकिस्तान दुशांबे। कहाँ है? दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे। और तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तजाकिस्तानी सोमनी। तजाकिस्तानी सोमनी, कहीं कहीं सोमनी भी है। तो हाल ही में इमोमाली रहमान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के कैपिटल कहाँ है? दुशांबे। और इसकी मुद्रा क्या है? तजाकिस्तानी सोमनी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन ईंधन सेल क्या है? HFC, मतलब हाइड्रोजन फ्यूल सेंटर। HFC हाइड्रोजन फ्यूल सेंटर, हाइड्रोजन ईंधन सेल, सॉरी सेंटर नहीं होगा, HFC हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रोटोटाइप का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रोटोटाइप, हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रोटोटाइप, हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रोटोटाइप का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो ये किया है CSIR। किसने किया है? CSIR। CSIR, CSIR का R का फुल फॉर्म क्या हुआ? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, रिसर्च काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, कौन हो गया? CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। हिंदी में इसको बोलते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR। प्रोटोकॉल है ना, प्रोटोटाइप का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो CSIR ने किया, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने। इसकी स्थापना कब हुई? CSIR की स्थापना, CSIR की स्थापना कब हुई? तो CSIR की स्थापना 26 सितंबर 1942 को, कब हुई है? 26 सितंबर 1942 को किसकी स्थापना हुई? CSIR की, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में किसके द्वारा पहली बार, हाल ही में किसके द्वारा, हाल ही में किसके द्वारा पहली बार वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी, वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी, हाल ही में पहली बार, हाल ही में पहली बार किसके द्वारा, हाल ही में पहली बार वर्चुअल इंडिया, हाल ही में पहली बार वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी, वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन, ज्वेलरी शो का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जी जे ई पी सी द्वारा किया जा रहा है, GJEPC, जिम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, जिम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन, जिम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो है वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन किया गया, वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन किसके द्वारा किया है? GJEPC, जिम्स एंड ज्वेलरी, जी फॉर जिम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट, जिम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट, टी फॉर प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, याद हो गया? जिम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो, वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो आयोजन का आयोजन किया जा रहा है। अब GJEPC, GJEPC का स्थापना कब हुआ? 1966 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 में, 1966 में इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? GJEPC का हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र में, हेडक्वार्टर महाराष्ट्र। ठीक, अब अगर अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है?
उद्धव ठाकरे जी, और यहाँ के गवर्नर कौन है? केसीआर भगत सिंह। केसीआर आपको याद होगा, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं, और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह, केसीआर। आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हाल ही में चर्चित न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक क्षेत्र है? तो यह फ्रांस का एक क्षेत्र है। हाल ही में चर्चित, यह चर्चा में है, कौन? न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक क्षेत्र है? तो यह फ्रांस का एक क्षेत्र है। यहाँ ये जो न्यू कैलेडोनिया है, इस कंट्री का जो क्षेत्र का लोग है, ये फ्रांस में रहने से मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। उनका जो मतदान हुआ फ्रांस के सपोर्ट में नहीं हुआ, तो हाल इसलिए चर्चा में है। हाल ही में चर्चित न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक क्षेत्र है? तो यह कहाँ का क्षेत्र है? फ्रांस का एक क्षेत्र है, न्यू कैलेडोनिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हाल ही में बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का मंथन किसने किया? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया। हाल ही में बाला साहेब विखे क्या नाम है? बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का, है ना, की बायोग्राफी का, पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब बाला साहेब विखे पाटिल कौन थे? तो बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का मतलब नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक। और इनका विमोचन, बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा देहे विरचा का विमोचन, ये इसका जो नाम था वो क्या था? देहे विरचा। इनका जो वो है देहे विरचा, देहे विरचा नाम है उस हाल ही में बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा देहे विरचा। बाला साहेब विखे की आत्मकथा क्या है? देहे विरचा। देहे विरचा का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। अब देहे विरचा क्या है? देहे विरचा का अर्थ होता है जिसने अपना जीवन किसी नेक काम के लिए समर्पित कर दिया। देहे विरचा मतलब नेक काम के लिए अपना जीवन को समर्पित कर देना, देहे विरचा कहलाता है। तो देहे विरचा का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया। ये जो इनको जो इनका जो विमोचन किया गया इस पुस्तक का, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है इसको लॉन्च किया गया। और बाला साहेब विखे पाटिल केंद्रीय मंत्री थे। बाला साहेब विखे पाटिल क्या थे? केंद्रीय मंत्री थे, ये सेंट्रल मिनिस्टर थे बाला साहेब विखे। और कई बार जो है ये कई बार लोकसभा सांसद भी रहे हैं, और 84 साल 2016 में इनकी आयु इनका देहांत हो गया। ये बाला साहेब विखे की आत्मकथा देहे विरचा का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी। देहे विरचा का अर्थ क्या था? अपना जीवन जिसने किसी नेक काम के लिए समर्पित कर दिया, वही होता है इसका अर्थ, ठीक। और जो है इनका ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी द्वारा। और बाला साहेब पाटिल जो केंद्रीय मंत्री थे, बाला साहेब विखे पाटिल क्या थे? एक सेंट्रल मिनिस्टर थे, और 2016 में 84 उम्र की आयु में जो है इनका देहांत हो गया। ये कई बार जो है लोकसभा के सांसद भी रहे, लोकसभा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये किया गया है इंडोनेशिया का। इसको हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये इंडोनेशिया का राजदूत जो है इनको नियुक्त किया गया। और ये जो मनोज कुमार भारती थे, ये क्या थे? आईएफएस अधिकारी थे, इसलिए इनको जो है मनोज कुमार भारती को इंडोनेशिया का राजदूत नियुक्त किया गया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जाकर्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जाकर्ता। और इसकी करेंसी क्या है? रुपया। इंडोनेशिया की करेंसी रुपया। और ये जो जाकर्ता है, इस कंट्री के बारे में बात करते हैं। ये जो जाकर्ता है, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है, इसके बारे में कह रहा है विश्व का ऐसा शहर जो बहुत तेजी से पानी में डूबता जा रहा है, वो शहर कौन है? जाकर्ता। मतलब कि वर्ल्ड में एक ऐसी कंट्री है, ये एक ऐसा देश, ऐसा शहर, ऐसा देश है जाकर्ता, एक ऐसा जगह है जो कि बहुत तेजी से पानी में, समुद्र में डूबते जा रहा है, एक ओर से धीरे धीरे डूब रहा है, ये जाकर्ता। इसलिए जो है ये यहाँ की जो सरकार, इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये डिसाइड किया, उन्होंने अपनी राजधानी जो है जाकर्ता से बदल देगी।
और जाकर्ता से बदल के क्या रखेगी, बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट करेगी। ये जो बोर्नियो आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड, ये जो पानी में डूबता जा रहा है, इसलिए उसने क्या कहा कि अपना कैपिटल जो है इंडोनेशिया की, उसको क्या करेंगे, बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट करेंगे। कहां पर, बोर्नियो आइलैंड पर शिफ्ट करेंगे। और बोर्नियो आइलैंड पर कहां, तो बोर्नियो आइलैंड पर जो है ईस्ट काली मंत्रा एक जगह है जो कि इसका कैपिटल, ईस्ट काली मंत्रा जो है यहाँ पर, यहीं पर बोर्नियो आइलैंड में ही है जहाँ की इसकी राजधानी शिफ्ट करने की बात हो रही है इंडोनेशिया की। तो ठीक, बोर्नियो आइलैंड इसका जहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा वो बोर्नियो आइलैंड में कहाँ, ईस्ट काली मंत्रा। ठीक, तो इसका नया राजधानी ईस्ट काली मंत्रा, इसकी इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई जाएगी। तो ये था आज का करंट अफेयर्स, देखते रहिए, मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में, अगले दिन अगले करंट अफेयर्स लेकर के। स्वस्थ रहिए, धन्यवाद, मस्त रहिए, वृद्धजनों की सेवा कीजिए, धन्यवाद।